तो भैया ये सेटअप दिया हुआ है हैरियर के अंदर चेंज करने के लिए, जैक काफी बड़ा है। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो अभी जस्ट सो के उठा हुआ यार, एंड थोड़ा सा काम था, बाहर जाना था, बाहर जाने के लिए निकला तो देखा कि गाड़ी का टायर ही एकदम फ्लैट हो रखा है। अब या तो मैं मेहनत करके स्टेपनी निकाल के या तो चेंज करूं या तो उसको ठीक कराने के लिए लेके जाऊं। तो अभी मैं सोच रहा हूं ठीक ही करा लेता हूं, क्योंकि यार वही है, कौन जैक लगाए कौन स्टेपनी करे। तो दिखाता हूं आपको क्या कंडीशन हो रखी है। पता नहीं टायर भी खराब हो सकता है अगर ज्यादा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो ये देखिए एकदम फ्लैट हो रखा है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, थोड़ी सी हवा है। तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि लेके जाता हूँ, सही करा लेता हूँ, थोड़ी दूर तो मैं ले जा सकता हूँ इसको। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि हैरियर का टायर कैसे चेंज करना है। हालांकि पंचर किट भी होती है, सब कुछ होती है, बट मैं खुद से तो कभी नहीं करता हूँ। बहुत ही ऐसी कहीं कंडीशन फंस जाएगी जहां पे पंचर वाला नहीं है तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, खुद से चेंज करना पड़ता है। बट अभी घर पे हुआ है तो घर के पास है पंचर वाला। बट आपको दिखाते हैं कि कभी अगर इमरजेंसी पड़ जाए, आप कहीं पे हो ऐसी जगह, आपको पंचर वाला नहीं मिले, तो हैरियर का टायर कैसे चेंज करना है। क्योंकि हैरियर का टायर ना नीचे लगा हुआ होता है। सो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये पंचर वाले के पास आया हूँ, इसके पास हवा ही नहीं है, सारा सिस्टम है लेकिन हवा नहीं है भाई के पास। अभी देखते हैं, दूसरी जगह चलते हैं एंड वहां पे ट्राई करते हैं कि कहीं पे यार अपने को पंचर वाला मिल जाए। बिकॉज स्टेपनी चेंज करना कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि तो यहाँ तो भाई काम हुआ नहीं है। अब दूसरे पंचर वाले के पास चलते हैं, क्योंकि स्टेपनी चेंज करना कोई सेंस बनता नहीं है। क्योंकि आपको सबको पता है कि उसका टायर साइज बहुत छोटा होता है, एंड छोटा है टायर साइज में, वैसे ही मुझे कल चेंज ही कराना पड़ेगा अगर मैं अभी स्टेपनी चेंज करूंगा तो। सो इट्स बेटर किसी दूसरे पंचर वाले को ढूंढते हैं एंड पंचर ठीक कराते हैं अभी पहले। तो अभी जा रहे हैं पेट्रोल पंप के पास, एक पंचर वाला है, बट मैं उसके पास जनरली जाता नहीं हूँ गाइस, क्योंकि क्या होता है ना इसमें भी ये लोग, मतलब मैं एक बार स्विफ्ट लेके मेरी गया था तो उसने क्या किया, उसने मेरे को बोला कि बॉल क्या बोलते हैं उसको जो टायर में लगता है जिससे प्रेशर बढ़ते हैं अपने। तो भैया ये सेटअप दिया हुआ है हैरियर के अंदर चेंज करने के लिए। जैक काफी बड़ा है, छोटी गाड़ियों में अगर आप देखोगे ना तो छोटा जैक होता है, बट इसमें काफी बड़ा है। तो बड़ी गाड़ी के हिसाब से इट्स अ गुड थिंग कि एक बड़ा जैक दिया हुआ है। ये आपको रोटेट करने के लिए दिया हुआ है, ये जो DF डालते हैं वो यहाँ से डालते हैं, और ये पेचकस दिया हुआ है जिससे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना इसमें ये आपको खोलना पड़ता है। अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ से आपको ये पेचकस डाल के एंड ये खोलना है, ओपन करना है इसको। देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ इसको आपको, ये ओपन हो गया है। फिर यहाँ से आपको ये वाला जैक यूज करना है एंड इसको लूज करना है ढीला। हाँ, उसके बाद आपका टायर ऑटोमेटिकली यहाँ से नीचे आ जाएगा, फिर आप चेंज कर सकते। भैया ने जैक लगा दिया है। अभी एक चीज आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो हिडन स्पेस है ना वो कितना अच्छा दिया हुआ है हैरियर में। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, हालांकि वैसा सामान रखोगे तो आवाज करेगा क्योंकि यहाँ पे लगाया हुआ है इन लोगों ने, बट आई थिंक क्योंकि मेटल है ना तो आवाज आएगा आपको। बट वैसा कोई सामान है ना जिसमें प्लास्टिक प्लास्टिक का है कुछ जो आवाज नहीं करता है, तो वो आपको बहुत अच्छा स्पेस है नीचे जो आप यूज कर सकते हो। बाकी ये नॉर्मल जैक के लिए भी इन्होंने काफी बड़ी रॉड दी है जिसको कि आप अटैच कर सकते हो। तो अच्छा सेटअप दिया हुआ है, और ये है पंचर किट। तो आज हम देखते हैं पंचर किट के अंदर क्या है। अभी चेक हो रहा है पंचर, ये क्या टिक लगा है, गिट्टी घुसी है क्या, कील लगी है, कील। अच्छा कील लगी है, साली इतनी सारी गिट्टियां घुसी हुई हैं, ये गिट्टियां क्या निकलवानी पड़ती है कि ऐसी लगी है, इससे पंचर नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा गिट्टियां घुसी हुई है। इधर भी चेक कर लेना, एक जगह कटा हुआ भी है कहीं से टायर, साइड में कटा होगा कहीं से, देखना वहां से तो नहीं लीक कर रहा, ऐसे करना नहीं चाहिए, वो तो बहुत पहले लगा था तब से आज तक तो नहीं हुआ लीक। ये क्या है, कील है, कील है,
कितने पंचर निकालोगे तुम? जितना होगा आपके टायर में वही निकलेगा ना। ट्यूबलेस में यही होता है, जब साथ चेक कराने और चार पांच पंचर तो निकल ही जाते हैं। ट्यूबलेस का पता नहीं चलता है ना। हाँ, जब हवा निकलती है तभी पता चलता है जब बड़ा पंचर होता है। छोटे में तो क्या है, छोटे में तो खाली हवा निकलती ही नहीं है तो पता ही नहीं चलता है। तो बनवाने आओ तो 400-500 का खर्चा तो हो ही जाता है। ना 100-150-200 इससे ज्यादा नहीं पड़ता। अरे एक बार मैं स्विफ्ट में 4-5। भैया ये है पंचर किट जिसमें से निकला है ये हवा भरने वाला, जो कि मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया है, और ये है पंचर बनाने वाला। बट ऐसा सच कोई भी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पहली बार पंचर हो रही है गाड़ी, तो ऐसा सच कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है, पड़े भी ना होप सो। ये मेरा एंटीना है जो आप लोगों को मैंने दिखाया हुआ है कि मैंने चेंज कराया हुआ है, शाफ्टन एंटीना लगवाया हुआ है। ये जो नॉर्मल लगा होता है XT प्लस में, वो निकलवा के यहाँ रखा हुआ है, जो कि कोई यूज़ का नहीं है। अब ये लग गया पंचर, नहीं जा रहा क्या? हटो उसको, खाल में कर रहा है। क्यों? अच्छा, हमारी हाइट से ज्यादा बड़ा हो रहा था। इसमें ही मेहनत लगती है यार, खुद से नहीं कर सकता आदमी। बिना मेहनत के क्या है? काट देना ये। वो हो गया, लेवल में कर दिया। लेवल में कर दिया, ये कटेगा नहीं। अच्छा ये कटेगा नहीं, ज्यादा ओवर होता है तो काटते। अच्छा अंदर अंदर भी लग रहा है। बड़ी कील निकली यार। पता नहीं कहां कहां से लग जाती है। देखो एसी लगी है। ऐसी लगी, सीधा भी नहीं गया, पूरा टायर फाड़ दिया होगा इसके अंदर। ना तिरछाई पंचर लगाना पड़ेगा। अच्छा, तिरछाई लगाना पड़ेगा। हाँ, अब हम इधर सीधा कर दें वो ऐसे तो फिर लीकेज मारेगा। अच्छा तो भैया पंचर हो गया है ठीक, बट ये देखो गाड़ी में पूरा स्क्रैच लग चुका है। रात में एक पिलर में लड़ गई थी तो पूरा स्क्रैच आ गया, बट पिलर में लड़ने के बाद भी आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे डेंट नहीं आया, प्लास्टिक पूरी स्क्रैचेस हो गए हैं, बट बॉडी इतनी स्ट्रांग है ना इसकी कि उसको बिल्कुल भी डेंट नहीं आया। तो अगर आपको पता है कि ये कैसे सही हो सकता है विदाउट पेंटिंग के, अगर पेंटिंग कराऊंगा तो पूरा दरवाज़ा और ये भी पेंट कराना पड़ेगा, तो इट विल कॉस्ट मी कम से कम 10-12 हज़ार का आएगा। तो अगर आपको पता है सॉल्यूशन इसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई पंचर तो हो चुका है ठीक, बट मेरी हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि दिल्ली NCR में जो भी लोग हैं उनको पता होगा गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है ना कि आप देखोगे एसी से थोड़ी देर भी बाहर रहो ना तो क्या हालत हो जाती है। तो अभी चलते हैं घर, क्योंकि कुछ शूट भी करना था गाड़ियों का, तो देखते हैं, क्योंकि अभी तो अंधेरा हो गया है तो आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा। सो क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैं वीकेंड्स को करता हूँ, क्योंकि मेरे को वीकडेज में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, एज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बट ये वीकेंड पे कुछ हो नहीं पाया है। सो लेट्स सी कब आता है नया कंटेंट। सो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज लेके आने वाला हूँ मैं गाड़ियों के। बाय, टेक केयर।